खबर राजधानी से है, जहां पीसीसी में जनसुनवाई का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। जनसुनवाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने कहा कि जनसुनवाई में बढ़े हुए बिजली के बिल, अतिक्रमण और खान विभाग से जुड़ी समस्याएं आई हैं, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं जनसुनवाई में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने बेटों से परेशान होकर मंत्री मेघवाल के सामने न्याय की गुहार लगाई। मामले का संज्ञान लेकर बुजुर्ग मां के भरण पोषण के लिए उसके बेटों को पाबंद के निर्देश देते हुए मंत्री ने स्वयं इस मामले में न्याय दिलाने की बात कही। मेरे पास ऐसे ऐसे कार्य जो बिजली विभाग से संबंधित थे, पुलिस विभाग से संबंधित थे, माइंस विभाग से संबंधित थे, एक महिला ऐसी आई आज मेरे पास जिस महिला के बेटे हैं, लेकिन वो बेटे उस महिला को अपने जो घर है उससे निकाल रहे हैं, रोटी उनको दे नहीं रहे हैं। मैंने डायरेक्शन एसडीएम को दिया है, क्योंकि ये कानून बनाया हमारी सरकार ने, पिछली बार कानून बनाया था जब हमारी पिछली बार सरकार थी, तब ये कानून बना था कि एसडीएम की जिम्मेदारी है कि अगर माँ बाप को कोई व्यक्ति घर से निकालता है तो उस घर के अंदर माँ बाप रहेगा, उसके भरण पोषण का काम होगा, भरण पोषण के लिए उसको आदेश दिया जाएगा कि आपको इसको इतना पैसा।